ਅਗਲੇ ਆਪਣੀ ਨਾਨੀ ਮਕਾਈ ਕੇ ਆਟੇ ਕੇ ਬੰਨੇ ਕੀ شکر تے الحمدللہ اللہ دی رحمتوں نے رتو کے پتر لگن میں نہیں کہ ابا کیا تھیندے کچھ نہیں پکڑی تھی دا میں پا لے دس دے لا سینا پا دو अभी तू चुप कर देगा तेरे मुंह चुप लगा नहीं आप देखा चली नहीं समझ आ रहा है मजा आ जाता है चलती आओ भूख लगी अब कोई मसला कैंसिल चली नहीं अगे कोट दे मंगोरा ने मंगो तो रहे ना रोटी बताऊं मौसम के लिए वो जितनी चाय पिछली में डाल देता या फिर सारी और मुझे रात नहीं मिले खत्म हो जाए ना पूरा कुछ नहीं थी ना मेरे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिया चबिया चबिया मामा मामा कैसा माँ कच्चा कैसा बेटे ये देसी साग है जो माँ जी ने कल से बनाया हुआ था और इसके अंदर भी इन्होंने मक्खन डाला हुआ है और साथ ही मकई की रोटी है इसके ऊपर भी मक्खन और साग रखा हुआ है ये साथ देसी शक्कर है इसके अंदर भी इन्होंने मक्खन डाला हुआ है मोस्टली सीज़न के हिसाब से यही इनका सुबह का नाश्ता होता है ये इनका गंदम स्टोर करने वाला मिट्टी का टैंक है जो कि हाल ही में हुई बारिशों की वजह से ख़राब हो गया था आज अम्मा जी इसको रिपेयर कर रही हैं
دیکھیں تجربہ دیکھیں بھائی کا. زبردست اللہ وار سہار سائی چاری بھی بڑا لگے گا. بگڑیا کھلوتا ہے بڑھا بندہ کتنے کیکا مارتا رہا مصیبت نو آیا رہا مینوں کیڑی لوڑ آ لے ہوں انہیں کتر چڑھنے کتر چڑنے پٹھے آج لنگڑا سی کل پرسوں کا لنگڑا کیا دینا کر کے سیدھا
ਥੋੜੀ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਫਰਾਇਆ ਸੀਗਾ इस कढ़ाही में फ्रेश गन्ने का जूस डालकर इसको यहाँ पर पकाया जाता है जिससे फिर गुड़ तैयार होता है। काफ़ी देर पकाने के बाद अभी अपनी असली हालत में आ चुका है। अब इसको निकाल लेंगे और कढ़ाही को फिर से फ्रेश गन्ने के जूस से भर देंगे। वेरी टेस्टी ये चीड़ लगाई है जी गन्ने के ऊपर और बहुत देसी माहौल है, मीठे चावल है। अब ये इस तरह से इसको थोड़ी देर हिलाएंगे और ये ठंडा हो जाएगा। फिर जैसे ही ये ठंडा होगा इसको टुकड़ियों की शक्ल में काट लेंगे।
और अब ये फाइनली मार्केट जाने के लिए तैयार है। चोंच बस बना दे तू।